संजय कुमार सिंह पंजवार सिवान से बिहार के विकास में भाषा के योगदान विषय पर अपना मन के बात कहे जा रहा बनी। कल्पना करी वो दौर के जब हमनी के पूर्वज लोग धरती पर आयल हुई, बिना भाषा के संप्रेषण में कितना दिक्कत भइल हुई। सुरक्षा आ पोषण खातिर एक दूसरा के संगत तो जरूरी रहे, ओपेरा भी संकेत के सहारे भाव अभिव्यक्त कर जाओ, साथे रहला से उस संकेतन का स्पष्ट अर्थ निकालल गई। धीरे धीरे अक्षर फिर उस शब्द गढ़ाए लागल, पहले बोलल गई फिर लिखल गई। खाली बिहार ही ना, दुनिया के कोनो हिस्सा में रहे वाला लोग के विकास के देखल जाओ तो ओकरा मूल में भाषाई विकास बा। आदमी असभ्य रहे जब भाषा ना रहे, आदमी संक्रमण काल में रहे जब भाषा अपन रूप पावे खातिर संघर्ष करत रहे, आदमी सभ्य हो गई जब भाषा अस्पष्ट स्वरूप लेके अवतरित हो गई। भाषा के मूल चीज होला ओकर सहजता आ संप्रेषण के क्षमता। स्वाभाविक संप्रेषण लोक भाषा में सबसे बेहतर होला, कारण कि लोक भाषा में कोनो बनावट ना होके। प्राचीन भारत में बिहार सैकड़न साल तक देश के राजनीतिक सांस्कृतिक आ आर्थिक धुरी रहे। एकर सबसे बड़ कारण रहे कि संभ्रांत वर्ग आम जन के पीछे भाषाई दूरी ना के बराबर रहे। पाली या प्राकृत जैसन जन भाषा के उपयोग राजकाज में भी कही जाओ। महावीर आ बुद्ध के लोकप्रियता के पीछे मूल चीज यह रहे कि उ लोग अपन सारा उपदेश जन भाषा में दिहल। इतिहास करवट लेलस, बाहर से आक्रमणकारी लो आयल, अपना साथे अपन भाषा आ संस्कृति भी ले आयल। शासक वर्ग आ आम जन के भाषा अलग हो गई, विकास के प्रक्रिया भी ठप पड़ गई। तालाब जकड़े लागल, एगो ढेला फेंके के जरूरत है। ई ढेला फेंकाइल पुनर्जागरण काल में कबीर, नानक, मीरा, चैतन्य जैसन लोग आयल, सभे अपन बात अपना मातृभाषा में कहल, व्यापक असर भइल, जकड़ल समाज फेर उचल पड़ल। इतिहास से सबक लिहल जाला, सबक सामने बा। मातृभाषा के स्वाभाविक बहाव के साथे जवन समाज भी बही ओकर सतत अनवरत विकास हुई। जैसे ही ये बहाव में अवरोध उत्पन्न हुई ओकर असर विकास पर भी साफ साफ दिखी। जय भोजपुरी।